तो दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार के हैं या फिर आपके कुछ मेंबर जो बिहार से बाहर फंसे हुए हैं या किसी मुसीबत में हैं, तो उनके लिए बिहार सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से कुछ रूल्स लाई है, कुछ नियम लाई है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मान के चलिए कि आप यहाँ बिहार में कहीं रह रहे हो, लेकिन आपके भाई या फिर आपके कोई भी मेंबर कोई बगैर बाहर रहे हैं, वो गरीब है या फिर वो पैसा नहीं है खाने के लिए, तो वो 1,000 रुपया काफ़ी आसानी से बिहार सरकार से ले सकते हैं। आप भाई ये कैसे ले सकते हैं, क्या पूरी प्रावधान है, पूरी बात यहाँ समझिएगा, पूरी वीडियो देखिए। तो बता दो दोस्तों कि बिहार सरकार ने जब तक कोरोना वायरस कहर है तब तक उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से एक यहाँ रूल जारी की है जिसके तहत में आप पैसा पा सकते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री राहत कोष बिहार से आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के माध्यम से मुख्यमंत्री विशेष सहायता अंतर्गत बिहार से बाहर फंसे, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिहार से बाहर फंसे लोगों को सहायता राशि 1,000 रुपया दी जाएगी। इसे प्राप्त करने हेतु नीचे दिए गए लिंक से मोबाइल ऐप कोरोना सहायता आप डाउनलोड कर लीजिए और हमें अंकित कीजिए, इन्होंने ऐसे कहा है। अब मैं बताता हूं कि अगर आपके भाई बहन या फिर कोई भी मेंबर बाहर फंसे हुए हैं, आप गरीब फैमिली के अंदर में आते हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग अप्लाई कर कर 1,000 रुपया काफ़ी जल्दी अपने अकाउंट में पा सकते हैं। आप देखिए इसमें कंडीशन क्या है कि मैं तो ये बोलूँगा कि यहाँ पर जो है कुछ ऐसे मेंबर जो होते हैं अपने स्वार्थी लाभ के लिए, जो लोगों को दुख देने के लिए यहाँ पर जो है फालतू में अप्लाई कर देंगे, इसी से बचने के लिए बिहार सरकार ने एक रूल और जारी की है, सुन लीजिएगा, कि आपको अपने साथ एक सेल्फी भी लेनी है, जहाँ आप फंसे हुए हैं उसकी सेल्फी लेनी है और अपने मोबाइल की GPS लोकेशन खोल कर रखनी है कि GPS में ये पता चलेगा कि आप बिहार के हो या बिहार में ही हो या बिहार से बाहर हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी की गई है। तो ये मत सोचना समझना आप लोग कि मैं अप्लाई कर दूंगा मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो लेकिन आपको वो भी दिखाना पड़ेगा। अब देखिए, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कि जो आप सेल्फी लोगे वो आपके आधार कार्ड के फोटो से मैच भी किया जाएगा, आपके पासपोर्ट साइज फोटो से भी। अब देखिए, यहाँ बताता हूँ, यह योजना केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो बिहार राज्य के निवासी है तथा बिहार राज्य से बाहर कोरोना वायरस के चलते फंसे हुए हैं। बिहार राज्य के निवासी या फिर बिहार के बाहर कोरोना वायरस चलते फंसे हुए हैं, इसके लिए जरूरी कागजात निम्नलिखित है। सबसे पहले लाभार्थी के पास आधार कार्ड की फोटोकॉपी मतलब प्रति होनी चाहिए, ओरिजिनल वाली आपको जो है फोटो ले जाएगी। उससे लाभार्थी के नाम से बैंक खाते जो कि बिहार राज्य में ही अवस्थित हो, आपके नाम से बैंक अकाउंट वो बिहार राज्य में ही होना चाहिए, बिहार से बाहर नहीं, वो चाहिए उनके पास में। उसके बाद उनको लाभार्थी को फोटो सेल्फी का मिलान आधार डेटाबेस के फोटो से किया जाएगा, अतः आधार का फोटो साफ साफ होनी चाहिए और एक आधार संख्या पर एक ही रजिस्ट्रेशन हो चाहिए उनका। मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP मोबाइल से ऐप पर करना होगा, इससे संबंधित सहायता सिर्फ बैंक खाते से भेजा जाएगा। आप इन्होंने ये चीज़ दोस्तों बता दिया। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या क्या किया, यहाँ बिहार कोरोना वायरस के सहायता मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो मैं इसको आपको चलता हूँ सीधे मोबाइल ऐप में, मैं आपको पूरा डिटेल समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बात समझ जाइए कि अगर बिहार के हर छोटी बड़ी नॉलेज के साथ सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आपको मेरे पास हर अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों, मैं इस वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाल दूंगा या फिर अपने कमेंट बॉक्स में जाके आप यहां से आके डायरेक्ट देख सकते हैं वेबसाइट लॉन्च किया गया है उसके। आइए मैं दिखाता हूं ऐप के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले आपको इस ऐप पर क्लिक कर लेनी पड़ेगी और इस ऐप पर क्लिक करने के बाद ये आपको डाउनलोड होने लगेगी। इसके में थोड़ा देर सबको समय लगेगी। देखिए, जैसे नीचे मेरा यहाँ पर डाउनलोड हो रही है फ्रेंड्स, तो मैं आपको आप दिखाता हूँ आगे क्या करना है। तो गाइज, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ऐप है मेरा इंस्टॉल हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों, ये जो ऐप है आपको यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो वो वर्क नहीं करेगी। ये जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ लॉन्च किया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेनी पड़ेगी। ये 10.53 MB की फाइल है और आपको थोड़ा देर वेट करना है इसे इंस्टॉल होने के लिए। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ क्या करनी पड़ेगी आपको। तो गाइज, मैं जब तक ये ऐप इंस्टॉल हो रही है तब तक मैं बता दूँ कि आपके मोबाइल पर कुछ इस टाइप की भी मैसेज आपको गिरेगी जिसमें लिखा रहेगा मुख्यमंत्री राहत कोष बिहार से आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के माध्यम से मुख्यमंत्री विशेष सहायता अंतर्गत बिहार से बाहर फंसे लोगों की सहायता राशि 1,000 रुपया दी जाएगी।
इसे प्राप्त करने हेतु दिए गए मोबाइल ऐप को इतना पर डाउनलोड कर लें और अपने बारे में सूचना अंकित करें। और दोस्तों बाद में जब आप यहाँ पर सब कुछ कर लोगे दोस्तों, OTP जब डाल लोगे अपना आधार कार्ड, तो आपके पास कुछ ऐसा भी निकल के आएगा जिसमें लिखा होगा नाम आपका क्या है, वो आपका नाम लिखा हुआ मिलेगा। फिर दोस्तों आपके आधार नंबर जो होंगे वो आपको यहाँ देखे हुए मिलेंगे, उसका दोस्तों आपको OTP मिल जाएगी। इसी आधार नंबर और OTP के माध्यम से आपको लॉगिन भी करना पड़ेगा बाद में, इस पता ख्याल रखना, इस मैसेज को मत आप गैप करना। उसके बाद दोस्तों इतना होने के बाद में फिर आपको यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिए जाएंगे जिसके मदद से आप बात भी कर सकते हैं, मतलब उस इलाके में जो अवस्थित आदमी है जो सभी को भोजन खिला रहे हैं या फिर सभी को कुछ हेल्प कर रहे हैं, उनका आपको यह नंबर मिल जाएगा। आप इस नंबर से फ़ोन करके उनको बोल भी सकते हैं कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे हेल्प कीजिए। नहीं तो फ्रेंड्स आप एक काम और कर सकते हैं, जो आपके पास 1000 रुपये राशि आएगी उसे आप ATM से या फिर बैंक से निकाल कर भी आप उसका हेल्प कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों दिखाता हूँ, आप चलता हूँ सीधे ऐप पर। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये ऐप हो चुकी है डाउनलोड, अब ये इंस्टॉल हो रही है। बिल्कुल आपको इसी तरह अपने आप इंस्टॉल कर लेनी है, ये थोड़ा देर लेगी, स्कैन भी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर ओपन की यहाँ पर आ जाएगी ओपन, इसको ओपन फ्रेंड्स आप कर लीजिएगा, जैसे मैं अभी आपको ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद ये कुछ आपको परमिशन आएगी, आप इसको फटाफट यहाँ परमिशन दोस्तों दे देना। और ख्याल है दोस्तों इसमें क्या होगा, आपका जो लोकेशन है वो लोकेशन खुला रहना चाहिए। जैसे मान के चले कि मोबाइल में लोकेशन वाला होगा फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से जाकर यहाँ पर लोकेशन के GPS खोल दीजिए, तभी ये वर्क कर पाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने आपको GPS यहाँ खोल रखा हूँ, इसने कह दिया GPS खोलिए तो मैं खोल दिया हूँ, आप दोस्तों आगे चलता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए सबसे पहले आप जब GPS खोलने के बाद आप यहाँ पहुँच जाओगे और यहाँ देखो आपको फोटो सैंपल लिखा हुआ मिलेगा, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो आप इस पर आधार कार्ड जो है आप फोटो जो डालोगे इस तरह से ही डालना है, जिसके अंदर में बिल्कुल साफ साफ आपकी फोटो आनी चाहिए। अगर नहीं आ पाएगी दोस्तों तो ये आपका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों इतना होने के बाद में कहा है कि अपना चेहरा का फोटो इसी तरह से खींचिए जिस तरह ये कहा गया उस तरह खींचना है। तो फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर सब कुछ खींच कर, अगर आपका पहले ही से हो चुका है, आपने कुछ पहले अप्लाई कर दिया था लेकिन कुछ गलती कर दिए हैं, तो पंजीयन हेतु सुधार करें इस पर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मेरा कुछ गलती नहीं है तो पंजीयन के लिए मैं आगे बढ़ूँ उस पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों अब आप यहाँ पहुँच गए इसके मेन वेबसाइट पर। तो सबसे पहले दोस्तों आपको गृह जिला का नाम ये पूछेगा फ्रेंड्स, तो गृह जिला का नाम चुनने के लिए सबसे पहले तो आप जिस भी जिला के हैं वह चुन लीजिए। मान के चलिए दोस्तों कि मैं यहाँ पर गया जिला का हूँ, तो यहाँ पर गया जिला चुन लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों फिर कह आपको गृह प्रखंड का नाम चुनो यहाँ पर। तो फ्रेंड्स गृह प्रखंड चुनना काफ़ी मतलब अच्छा है चुनना, गलती कर दोगे फिर आपका पैसा नहीं आ पाएगा। और ठीक है तो मैं यहाँ गृह प्रखंड में गया सदर यहाँ में दोस्तों मैं चुन लिया हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पर कहेगा अपने पंचायत का फ्रेंड्स चयन करो, और दोस्तों गया सदर के अंदर में ढेर सारे पंचायत है तो आपको नाम याद करना पड़ेगा पंचायत आपका कौन सा है। तो फ्रेंड्स फिलहाल जो मेरा यहाँ पर जो है यहाँ बता दूँ कि इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, यहाँ पर मैं बस जब डाल रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मैं यहाँ पर रसलपुर चुन लिया। फिर दोस्तों पूछेगा आपका कि आपका लिंग कौन सा, मतलब कि आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको अपना यहाँ पर नाम भी डालना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं अपना नाम डाल लेता हूँ कुछ भी, जैसे मैं डाल लेता हूँ यहाँ पर आप लोगों को, बस आप लोगों को बताने के लिए, इससे मेरे जिंदगी कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों यहाँ पर जो है आपको नाम डाल लेता हूँ फटाफट यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं आपको नाम डाल दिया, ठीक है फ्रेंड्स, नाम देखिए मनीष कुमार नाम का आप डाल दिया। दोस्तों अब आते हैं नीचे, यहाँ पूछेगा लिंग कौन सा है, तो मैं यहाँ पुरुष में यहाँ पर चीज कर लेता हूँ। फिर दोस्तों आपको पिता या आपके पति का नाम जो पूछेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ मैं आपको डाल लेता हूँ अपने पिता का नाम जी, वो भी मुझसे कोई मेरा उसके उससे रिश्ता नहीं है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ। दोस्तों अब मैं दोस्तों यहाँ पर जो भी नाम था डाल दिया। फिर दोस्तों यहाँ पर कहेगा आपको अपना आधार नंबर डालने के लिए, तो दोस्तों फटाफट मैं आधार नंबर डाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। तो गाइज यहाँ फिलहाल मुझसे सबमिट नहीं हो पा रहे क्योंकि बता दूँ कि मैं बिहार में ही अवस्थित हूँ, अगर आप बिहार से हो और बिहारी से अप्लाई कर रहे हो तो ये नहीं हो पाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ वीडियो बना रहा हूँ तो बिहारी के प्लेस है इसलिए नहीं हो पा रही है, तो चूँकि GPS ये लोकेशन ले लेती है। दोस्तों जब आप वहाँ चले जाओगे आधार कार्ड पर सब डाल दोगे, उसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा कि आपको जब डालने के बाद में आपके मोबाइल पर इस तरह की OTP गिर जाएगी। दोस्तों OTP गिरने के बाद में आप वहाँ OTP या ये सब डालकर इसको लॉगिन कर लेना। फिर वहाँ आप दोस्तों पूछेगी कि आप कहाँ फंसे हुए हो, आप जो है दोस्तों कहाँ फंसे हुए हो, उसके बाद आपको आधार कार्ड का फोटो और एक अपना फ़ोटो जो है सेल्फी लेकर डाल देनी है बस। दोस्तों उसके बाद आपको 1 से 2 दिन के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा और इसका नोटिस भी आपके ऑफिशियल जो नंबर है, जो आप नंबर है बैंक का, उस पर आ जाएगी मैसेज।
तो यही सेम प्रोसेस है दोस्तों। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके मेंबर फंसे हुए हैं बाहर में तो जरूर इसके एक बार दोस्तों इसलिए अप्लाई कीजिए यहाँ पर, अगर क्योंकि बता दूँ कि बिहार में अवस्थित हो और बिहार ही करोगे तो होगा नहीं, इसलिए दोस्तों आप बिहार के बाहर अगर देख रहे हो वीडियो तो दोस्तों उनको बता दो, यहाँ पर उनको संदेश भेज दो कि अगर बिहार सरकार दे रही है पैसा तो कैसे आप लोग उठाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर दोस्तों मेरी बात ये समझ में दोस्तों आई तो आप लोग जरूर यहाँ पर मुझे कमेंट करना सर ये चीज़ क्या होगा कैसे होगा, हम मैं बता दूंगा नीचे आपको कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और जहाँ तक बात हुई ऐप की तो ऐप का मैं आपको डाउनलोड लिंक दे दूंगा जो कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो लेता हूँ विदा, जय हिंद जय भारत। अगर आपने बिहार की हर छोटी बड़ी न्यूज़ को सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो अभी कभी कर लो, या फिर किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरे इंस्टा आईडी पर आ सकते हो, इस पर्सनल बात मुझसे कर सकते हो, इंस्टाग्राम का आईडी का मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर बातचीत कर लेना। गुड बाय।